लास्ट क्लास के अंदर हमने काइनेमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और तीन क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के सॉल्व किए थे, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी को टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और बिल्कुल इसी तरह से एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इनिशियल मींस क्या होता है, टाइम जीरो होता है, रेस्ट मींस क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होती है, स्टेशनरी मींस वेलोसिटी जीरो होती है, फिक्स एट अपने परफेक्ट अपने पॉइंट पर दोबारा वापस आए, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मिनिमम मैक्सिमम पर आपके उसका वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है हमारे पास। ओके, टू फाइंडिंग दैट डिस्टेंस इन एन सेकंड ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी कोई भी आपके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन हो उसको मालूम करने की ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैंने आपको लॉजिकल हैंडल करना सिखाए हैं इन तीन क्वेश्चन को जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर भी मौजूद है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करते हैं, यही इसी तरह की क्वेश्चन है और प्रैक्टिस हम इन क्वेश्चन की जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, जरा आपने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये हमारी क्या एक्सरसाइज, आपके कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, 22.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है, सो दैट इट डिस्टेंस इन एस मीटर के अंदर है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ओ से, एस का फंक्शन आपको गिवन है 18 टी स्क्वायर माइनस आपके एस क्या है टी 4, वेयर टी इज अ टाइम, टाइम आफ्टर लिविंग इन सेकंड आफ्टर लिविंग ओ पॉइंट, अपना मीन आपके एस क्या ओरिजिनल पॉइंट से आप जब वो ट्रेवल करना शुरू करता है, कैलकुलेट आपके एस क्या नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एस, नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एस मालूम करें, डिस्प्लेसमेंट को मालूम करें, When P comes instantaneous to rest, जब रेस्ट पे आ जाए, अब रेस्ट पे आ जाए तो जाहिर बात है रेस्ट पे कब आएगा, जब वेलोसिटी जीरो होगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा इसका मतलब कि वेलोसिटी जीरो है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी को जीरो पुट करके टाइम निकाल लें, उस टाइम को गिवन फंक्शन के अंदर आप पुट कर देंगे, उस टाइम को जब ये फंक्शन के आप क्या पुट करेंगे, गिवन फंक्शन के अंदर आप टाइम पुट कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस आपके साथ आएगा। अब हम बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन s इज इक्वल टू 18 टी स्क्वायर माइनस टी 4, ये फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइव डी एस अपॉन डी टी, मेरे पास क्या आएगा 36 टी आ जाएगा और माइनस 4 टी क्यूब आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने जाहिर बात है इट इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t is equal to 0 दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर था, 4t इज इक्वल टू 0 एंड इफ 9 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको भी जीरो कर दिया हमने, तो t की वैल्यू यानी इनिशियल जब टाइम जीरो होगा तब आपकी वेलोसिटी जीरो होगी यानी वो रुका होगा ऑब्जेक्ट, और नाइन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3 आ जाएगी, टी की वैल्यू आपके स्क्वायर रूट करेंगे तो टी की वैल्यू आपके क्या आएगी प्लस माइनस 3 आ जाएगी, टी इज अ टाइम, टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इस टाइम को गिवन डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में पुट कर देंगे, 18 टी स्क्वायर माइनस टी 4, अब आपने 18 टी 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 4, अच्छा अब कैलकुलेटर है 9, 3 का स्क्वायर का 9, 18 मल्टीप्लाई बाय 9, ये मेरे पास 162 आया, कितना आया 162, और ये कितना होता है 3 की पावर 4 81 होता है मेरे ख्याल से, 3 की पावर 4 81 होगा, सही बेटा, ओके 81 माइनस 60 आपके आंसर क्या आ जाएगा 81 मीटर आपके पास आ जाएगा। ये आपके डिस्टेंस का फंक्शन है और आपको डिस्टेंस मालूम करना है इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, आपके ये आपका आंसर आ जाएगा, 4 का पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा आपके मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट के क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, सो दैट इट डिस्टेंस एस मीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ इज गिवन, एस इज इक्वल टू 18 टी स्क्वायर माइनस टी 4, वे टी इज द टाइम इन सेकंड के अंदर आफ्टर लिविंग ओ, लिविंग यानी ओ को जब छोड़ता है, आपके कैलकुलेट द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एस, एस की नॉन जीरो वैल्यू मालूम करें, नॉन जीरो वैल्यू मालूम, व्हेन पी बिकम्स इंस्टेंटेनियस टू रेस्ट, सही है। अब जाहिर बात है हम सबसे पहले फंक्शन को पकड़ेंगे, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करके तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को जीरो पुट करके टाइम निकाल लेंगे, यानी कितने कितने सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा
जब लॉस टेस्ट में होगा, जब वेलोसिटी जीरो, एक तो टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर जारी टी जीरो पुट करूंगा तो इनिशियल डिस्टेंस भी मेरे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ओके, फिर टाइम पुट कर दी कि दो वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस थ्री आई, तो टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, टाइम थ्री पुट कर दूंगा मैं इसमें, थ्री पुट कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना कवर होगा, मेरे पास डिस्टेंस कवर हुआ 81 कवर हुआ, सही है। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या क्या पार्टिकल, यही पार्टिकल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इन थर्ड सेकंड, यानी दूसरे से तीसरे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपने आपको मालूम करना है, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर आपने क्या करना है, दूसरे से तीसरे सेकंड, अब डिस्प्लेसमेंट का आपके पास फंक्शन ऑलरेडी है, सही है, डिस्प्लेसमेंट का आपके पास फंक्शन, अब जरा गौर से देखें ऑब्जेक्ट कहां पे रुक रहा है, आपने वेलोसिटी जीरो पुट की, ऑब्जेक्ट तीन सेकंड के बाद रुक रहा है, तीन सेकंड से पहले कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रुक रहा नहीं, यानी इनिशियल जीरो पर जीरो ही है डिस्प्लेसमेंट आपका, और फंक्शन भी आपके पास क्या है, डिस्टेंस का फंक्शन है आपके। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, मेरे इधर ये स्क्रीन पर आ जाए। ओके, अब इसी का बी पार्ट यहां पे कंटिन्यू करता हूं, ये इसी का ये ए पार्ट था। ओके, बी पार्ट को जरा देखिए, बी पार्ट के अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है, 18 टी स्क्वायर माइनस टी फोर, मैंने कहा पुट टी इज इक्वल टू टू पुट करूंगा, टी टू पुट करूंगा 18 टी स्क्वायर माइनस टी फोर, आप कैलकुलेटर बाई 18 फोर से कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाय फोर, ये मेरे पास 72 आया, 72 माइनस 16 हो जाएगा, 72 माइनस 16 टू बाई फोर 16 होता है, माइनस 16 आपके इसका 56 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56 मीटर, दिस इज योर S1, 56 मीटर जो भी यूनिट है, मीटर कह रहे हैं ना इस क्वेश्चन में कहीं पर, मीटर हाँ टाइम सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट आपके इसका मीटर के अंदर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, सही है, क्लियर। अब आपने इसमें टी थ्री पुट, टी इज इक्वल टू थ्री, टी थ्री पर ऑलरेडी तुम पुट कर चुके हो, वो कितना है 81 आया है, कितना आया था 81, आपको दोबारा थोड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सही है, 81 ऑलरेडी पहले पार्ट में आप कर चुके हो, तो आपके माइनस 81 माइनस 56 करोगे तो आपके जो डिस्टेंस, क्योंकि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कह रहा है, तो बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा इन थर्ड सेकंड, आपके स्केयर दूसरे से तीसरे, यानी थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 81 माइनस 56, 81 माइनस 56 25 मीटर आ जाएगा, तो ये बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, मीटर आपके पास आ गया, ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया, क्लियर। ओके, अब देखिए अब आपके पास क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं आपके पास, क्या कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पी, पी की क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट आपने वेलोसिटी मालूम करी, व्हेन जब उसका एक्सेलरेशन कितना हो माइनस 12 है। अब देखिए एक्सेलरेशन जब माइनस 12 है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल के उसको एक्सेलरेशन की जगह माइनस 12 पुट करके टाइम निकाल लेंगे, उस टाइम को वेलोसिटी के फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। देखो आपने ये समझना है, ये बिल्कुल फिजिक्स की तरह के चीजें हैं, फिजिक्स के आपके, तो आपके वेलोसिटी का फंक्शन ऑलरेडी पहले एक पार्ट में आप निकाल चुके हैं, वेलोसिटी के फंक्शन को गेन डेरिवेट करें, एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा, एक्सेलरेशन के फंक्शन की जगह ई की जगह आप माइनस 12 पुट कर देंगे, तो उधर से टी की वैल्यू, उस टी की वैल्यू को फंक्शन को आप वेलोसिटी के फंक्शन वैल्यू को वेलोसिटी के फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास आ गया आंसर है। कहने का क्या मतलब है, उधर देखिए वेलोसिटी का फंक्शन आपने निकाला था 36 टी माइनस 4 टी क्यूब, ये आपके पास फंक्शन आया था, सही बेटा। ओके, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे तो 36 माइनस 12 टी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज एक्सेशन, एक्सेशन कितना 36 माइनस 12 टी स्क्वायर आपके पास हो गया, क्लियर, ये आपके पास 12 टी स्क्वायर आपके पास आ गया। ओके ओके, इसके अंदर आप पुट करेंगे, पुट क्योंकि एक्सेशन कितना है माइनस 12 है, कितना है माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही एक्सेशन गिवन है माइनस 12 मीटर पर सेकंड, तो इसलिए माइनस 12 पुट कर दिया, नेगेटिव एक्सेशन है, इट इज 36 माइनस 2 12 टी स्क्वायर आपके से, ये 12 टी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस होगा 36 और ये 48 हो जाएगा, और ये कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, टी स्क्वायर 4 आ गया, तो टी आपके टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आपके प्लस माइनस 2, टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, टाइम 2 आ जाएगा, टाइम 2 को उठा के वेलोसिटी के फंक्शन में पुट कर दोगे, 36 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 72 माइनस 8 4 सा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 32, क्या आ जाएगा 30, 32 माइनस 72 आप कैसे करोगे तो 40, आपके 40 आपके इसके मीटर पर सेकंड आपके इसके आगे वेलोसिटी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, सही है, आपने वेलोसिटी निकालनी थी आपके पास उस पॉइंट पे, तो 40 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, बेटा ये शुरू किया आप, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे काइनेमेटिक्स से किस तरह के क्वेश्चन आपने हैंडल करने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जरा थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि नजर भी आया आप लोगों को। अच्छा बेटा क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, सो दैट इट डिस्टेंस आपके एस मीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ, फिक्स पॉइंट ओ से आपके क्या है डिस्टेंस आपके एक्स मीटर है, और ऑनेस्ट एस का फंक्शन एस इज गुड टी मल्टीप्लाई बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर, वेयर टी टी इज द टाइम इन सेकेंड के अंदर है आफ्टर ओ पासिंग ओ, आपके कैलकुलेट द वेलोसिटी मालूम करनी पार्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड, कोई मसला नहीं वेलोसिटी आपने इसको डिफ्रिशिएट करने है, उसके अंदर डिफ्रिशिएट के अंदर आपके टाइम 3 पुट कर देना है, 3 सेकंड के बाद आपने वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे बी पार्ट के अंदर कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ओ, ओ पार्टिकल पर डिस्टेंस मालूम व्हेन वेलोसिटी जब क्या हो 7 हो, तो सबसे पहले वेलोसिटी 7 पुट करके टाइम निकाल लेंगे, जो टाइम आएगा ना उस टाइम को वो फ्रॉम ओ से टाइम होगा, उस टाइम को आप फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, बी पार्ट भी हो गया। एंड देन सेकंड पार्ट इज आपके इसके एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल एट नेक्स्ट एट ओ, नेक्स्ट एट ओ पर एक्सेशन मालूम है, तो नेक्स्ट एट ओ पर क्या दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नेक्स्ट एट ओ आपने जीरो पुट करके आपके पास टाइम निकालें टाइम टू आ जाएगा, एक जीरो आएगा एक टू आएगा, टू एक्सेशन के फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपके इसके आ जाएगा एक्सेशन आ जाएगा, यानी मैं जो जमानी जमानी ये बातें की आप इसको रिटर्न में करके बता रहा हूँ। एस इज इक्वल टू आपके इसके टी मल्टीप्लाई बाय टी माइनस टू, अब देखिए मैं अगर इसको डायरेक्ट डेरिवेट करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं जरा थोड़ा प्रोडक्ट से बचना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं लगा भी सकता हूं प्रोडक्ट, कोई ऐसा मसला नहीं मैं प्रोडक्ट लगा दूं क्योंकि हमारे कोर्स में प्रोडक्ट, तो मगर मैं जबरा कर लेता हूं 4t + 4, क्यों मैं अगर कर सकता हूं तो मैं कर लूं क्यूब और या 4t² + 4t, थोड़ा सा डेरिवेटिव आसान हो जाएंगे, ds / dt मैंने डेरिवेट कर दूंगा, और ये मेरे पास 3t² आ जाएगा और -8t + 4 आ जाएगा, ये आपके पास फंक्शन आ गया, ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² - 8t + 4 आपके पास आ गया। अब इसके अंदर टाइम 3 क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड पर, पुट आपके पास क्या आ जाएगा t = 3, अब t 3 पुट कर दूंगा 3 × 3² - 8 × 3 + 4, ये बेटा क्या हो जाएगा 27 + 4 कितना 31 31 - 8 से कितना होता है 24 31 - 24 7 आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 7 m/s आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 m/s आ जाएगी, ये आपके पास कौन सा आंसर आ गया पहले पार्ट का, आपके पास आंसर आ गया, आपने सिंपल आपने कर लिया, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, सही। अब इसी तरह से बी पार्ट को जरा गौर से देखिए बेटा, बी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस मालूम करना है जब वेलोसिटी क्या हो 7 हो, अब वेलोसिटी कितनी है 7, अब वेलोसिटी का फंक्शन ऑलरेडी आपके पास है 3t² - 8t + 4, अब इसके अंदर पुट टी इज वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 7 पुट करना है, वी इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 3t² - 8t + 4, और ये क्या आ जाएगा 3t² - 8t, और ये 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 × 9 आ जाएगा 9 और 1 फैक्टर बन जाएंगे -9t + t - 3 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाना t की वैल्यूज निकालने के लिए, तो 3t कॉमन आ गया और क्या कॉमन आया t - 3 और +1 कॉमन आया t - 3, सही इज इक्वल टू 0, इफ आपके इसके 3t + 1 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ गई, और इफ t - 3 इज इक्वल टू 0, और टी की वैल्यू कितनी आएगी -1/3, एक ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू 3, टाइम इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी 3, और ये तो हमें भी पता था, ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन को अगर थोड़े सेंसेबल अंदाज में अगर आप देखेंगे तो आपके 7 वेलोसिटी पर टाइम 3 था, तो दैट मींस वेलोसिटी जब 7 पुट करेंगे टाइम कितना आएगा 3 आएगा ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि रेफरेंस क्वेश्चन ए पार्ट का रेफरेंस लेके आपके डायरेक्ट इतना जबरा करने की जरूरत नहीं थी, आप कर सकते थे, सही एक्सेप्टेबल होता क्योंकि ए पार्ट के अंदर ऑलरेडी रेफरेंस दे रहा है वो, क्योंकि 3 पुट करने पर वेलोसिटी 7 आ रही, तो वेलोसिटी जब 7 होगी तो टाइम क्या होगा 3 होगा, मगर दूसरे टाइम भी शो करना था नंबर ना काटे, तो इसकी वर्किंग आप करिए ज्यादा बेहतर है, सही है। अब टाइम हमें टाइम तो नहीं निकालना था, हमें तो डिस्टेंस निकालना, इस टाइम को गिवन फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है एस इज इक्वल टू t - 2 का स्क्वायर, अब t - 2 के अंदर इसके अंदर मैं अगर 3 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, मेरे पास इसके अंदर 3 पुट कर दूंगा तो जहां इधर पुट टी इज इक्वल टू 3, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा, ये वाला वर्जन ले लिया, इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी 3 - 2 का स्क्वायर
और ये मेरे पास 3 मीटर आ जाएगा, ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा जब वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड होगी। सही है बेटा, ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर, ये मेरा बी पार्ट हो गया, ये इस क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट एट ओ पर जब आएगा, नेक्स्ट एट ओ ओ पर आएगा तो उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। तो तब आपने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो आपने सबसे पहले इन सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट के लिए आप क्या करें, सी पार्ट के लिए आप डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन लिख दें और एस सॉरी क्या फाइव है क्या टी 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 सॉरी टी 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 माइनस टू, ये लिखा भी हुआ है राइट साइड पर मैं टी टी माइनस टू। अब इसके अंदर पुट एस जीरो, क्योंकि नेक्स्ट एट ओ का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। टी टी और टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इफ टी इज इक्वल टू जीरो, एक टी जीरो आ जाएगा, इफ टी माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और स्क्वायर रूट कर देंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकंड आ गई। अब इसका एक्सेशन निकाले, वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का फंक्शन आपके पास क्या है, ये फंक्शन है। अब वेलोसिटी के फंक्शन को पकड़े, आपने क्या किया, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी अपॉन डीटी आपके पास क्या आएगा बेटा, 60 माइनस 8 आ जाएगा। पुट टी इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। अब टी पुट कर टी की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 6 × 2 - 8, तो ये क्या 12 - 2 = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन। सही बेटा, ये यूनिट भी लिख देंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट था, सी पार्ट था हमारा, हो गया क्वेश्चन। सही, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो उन क्वेश्चन से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की उनसे भी बड़े आसान क्वेश्चन है। सही बेटा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यही काम जो हमने ओरिजेंटल किया, अब वर्टिकल पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, इधर मतलब वो भी डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वर्टिकल केसेस को हम डिस्कस करेंगे। अब वर्टिकल केस के अंदर बेटा क्या है, सॉरी बेटा कल क्लास नहीं ले, मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की। सही है, ओके, ये हर हफ्ते हो रहा है मेरे साथ, मैं क्लास आप लोगों की मिस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एडजस्ट कर दूंगा अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा बेटा, द हाइट एच मीटर है, स्टोन टाइम क्या टी सेकंड के अंदर है, बट इट हैज बीन थ्रोन, जो थ्रोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल पे, और फंक्शन क्या है, फंक्शन इज आपके फंक्शन क्या है, एच इज इक्वल टू 24t - 3t² ये हाइट का फंक्शन आपके पास गिवन है। कहता है वेलोसिटी मालूम करो आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड तो वेलोसिटी क्या है, आपने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ऑलरेडी है, हाइट वो भी एक डिस्प्लेसमेंट ही होता है, डिस्टेंस ही होता है डिस्प्ले, तो विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डेरिवेट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट कर देंगे 24.1 - 6t आपके साथ आ जाएगा। सही बेटा, अब इस ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई 24 - 6t। अब इसके अंदर पुट आपने क्या पुट करना है, t is equal to 3 पुट करते हैं, t 3 पुट करेंगे तो 6 3 क्या होगा, 6 3 आपके क्या होगा, जल्दी से बता दें क्वेश्चन नंबर, ये आपके क्या है, आफ्टर 3 सेकंड, एक मिनट आफ्टर 3 सेकंड, तो 24t - 3 क्या होगा, 6 आपके क्या होगा, 18 होता है ना, मैं 24 बना दिया, 6 3 सही है, मैं उसको 20 में आएगा, 0 कैसे आ सकती है, ये 18 होगा। सही है, तो ये आपके इसके वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सही है बेटा, ये पहला पार्ट आपके पास हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। ओके बेटा, इसको साइड पे करें, अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करें, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ, हमने ये सारी बातें पढ़ी हुई है, उसी पीडीएफ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है वेलोसिटी जी, मैक्सिमम हाइट का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी जीरो है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको बताया थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेमेटिक्स के, जो क्वेश्चन करेंगे ना उनमें हेल्प देते हैं। तो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर इस सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। सही है, तो मैक्सिमम आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अब वेलोसिटी जीरो है तो आपके पास वो आपने क्या मालूम करना है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। तो पहले टाइम निकाल लेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन पकड़ेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का फंक्शन क्या है,
24 माइनस 60। अब इसके अंदर क्या कर दूंगा, v की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। क्यों जीरो पुट करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ये बात आप लोगों को वैसे भी लॉजिकल है, आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एक पॉइंट फिक्स पॉइंट पे जाने के बाद जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी लेता है तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर नीचे आने लगता है, तो उस वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जीरो पुट किया, आप कैसे क्या 24 माइनस 60, द 60 इज इक्वल टू 24, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। 4 इस टी की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, आपको चाहिए क्या, आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो हाइट के फंक्शन में पुट कर देंगे, हाइट के फंक्शन में टी पुट कर देंगे। तो 24 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, और 24 फोर सा कितना होता है, 96 होता है, 24 फोर सा 96, सही है, और माइनस 16 थ्री सा 16 मल्टीपल 3 48 होता है 48, तो आपके क्या हो जाएगा, आपका माइनस करिए, इट इज ऑल्सो 48 आंसर आ जाए। हाइट कितनी आएगी, 48 मीटर आ जाएगी, सही है, ये हाइट आपके पास आ गई। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आपके पास बी पार्ट का हो गया। क्वेश्चन क्लियर है बेटा, सही है, ये क्वेश्चन था बी पार्ट था आपके पास। अब देखिए, अब जरा थोड़ा सा सेंसेबल अंदाज में जरा देखेंगे आप लोग, सही है, कोई मुझे बताना चाहे, कोई बताना चाहे तो कोई इशू नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का टाइम ऑफ फ्लाइट कोई बता सकता है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इस क्वेश्चन का, जी कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी स्टूडेंट बता दे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देखो, अब आपने साइंस के अगर स्टूडेंट तो बहुत ही आसान है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, तो दोनों टाइम, तो जाने का टाइम कितना है, 4 है, तो आप इधर लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ ये वाली फ्लाइट नहीं है, ये आप कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तो 8 सेकेंड आपके पास होगा, सही है, यूनिट सेकंड, 8 सेकंड आपके पास आंसर होगा, सही है। ये बिल्कुल सिंपल सा सी पार्ट, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने कर लिया, यानी वही जो काम, वो क्वेश्चन जो हमने किए प्रीवियस क्वेश्चन, वही हमने क्वेश्चन किए हैं, बट हमारे ये जो क्वेश्चन थे इस एग्जांपल के अंदर, हमारा जो क्वेश्चन था वो किसमें था, वो आपका उसके थे आपके वर्टिकल मूवमेंट था, क्या वर्टिकल मूवमेंट था, एक मिनट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये हमारा 5 था, 6 था, सॉरी 6 क्वेश्चन था। अब हमारा 7 को एक मिनट में कॉपी पेस्ट कर लूं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, देखिए ये एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा रिदम आपका बन जाएगा, तो देन फिर मैं आपके पास पास्ट पेपर पेस्ट कर दूंगा इसके, क्योंकि मुझे काइनेमेटिक्स के अलग से पास्ट पेपर आप लोगों को करवाने, सही बेटा, तो काइनेमेटिक्स के आपने अलग से पास्ट पेपर करने, तो थोड़ा सा क्योंकि आपको मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ इस टॉपिक के लिए जरा ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है, सही है, इसके लिए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए आपको जरा ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होगी, सही बेटा। अब आते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सही, 21 का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है हमें, इसके अंदर हमें कह रहा है A particle P travel in a straight line through a fixed point O. It distances s meter from O. S the function given कर रहा है. T time in second के अंदर है. After motion has begun, जब जैसे क्या है, जब motion start होती है, तो calculate the distance of P from O. O से distance आपने मालूम करना है. When velocity क्या हो? Velocity is zero. Instantaneously यानी उस वक्त क्या हो? Velocity zero. तो बिल्कुल सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इस फंक्शन को ds/dt यानी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को जीरो पुट करके टाइम निकालेंगे, उस टाइम को डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, सही है, वो डिस्टेंस आ जाएगा, वो आपका आंसर आ गया, सही है, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dt की वैल्यू मालूम करो, जब एक्सेशन ऑफ द एक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो, 9 हो, तो कोई मसला नहीं, आपने इसका एक्सेशन निकाला, एक्सेशन को 9 के बराबर रखे और उसमें से टी की वैल्यू निकालने आपका हो गया। अब कह रहे हैं एवरेज स्पीड मालूम करें बाय ड्यूरिंग 2 सेकंड, अब 2 सेकंड तक, पहले तो 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 2 सेकंड, अब ये भी देखना होगा कि 2 सेकंड से पहले ऑब्जेक्ट रुक तो नहीं रहा, ये भी चेक करो, क्योंकि प्रीवियस डिस्टेंस निकालने की टेक्निक मैंने बता दिया डिस्प्लेसमेंट फंक्शन से, क्या आपके जो फंक्शन है उस फंक्शन से किस तरह से आप निकालते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताई हुई है, सही है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस निकाले पहले 6 सेकंड, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए, सही, बट हम कर लेते हैं क्वेश्चन क्योंकि हमारी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन एस, ए पार्ट, एस के अंदर हमारे पास क्या है, पहले पार्ट के अंदर टी क्यूब 9t²
प्लस 15t और प्लस 40, सही बेटा। और आप क्या इसका कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ व्हेन वेलोसिटी क्या हो जीरो हो, तो आपने डी एस अपॉन डी टी आप निकाल लेंगे, डी एस अपॉन डी टी आप क्या 3t स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 18t आ जाएगा और प्लस 15.1 आ जाएगा। और पुट ये चीज आप क्या इसका है, आपका वेलोसिटी क्या है जीरो है, आपको डिस्टेंस है पुट डी एस अपॉन डी टी, ये आपका इसका वी है, ये जीरो पुट कर दीजिए, जीरो इज इक्वल टू इनमें से थ्री कॉमन आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5, कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, अलजेब्रा का रूल है कॉमन निकल, कॉमन निकाल लिया करें, तो क्या है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं 5 और 1 बन रहे हैं, माइनस 5 टी माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, टी कॉमन आ जाएगा टी माइनस 5 और इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अब आप क्या इसका टी माइनस 5 और आप क्या इसका टी माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है जीरो के बराबर है, तो आपने इफ टी माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो आपने ले लिया और इफ आप क्या इसका टी माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद रुकेगा और 2 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा रुकेगा, सही है रुकेगा आपका। अब आपने आपको जो डिस्टेंस निकालना है तो जारी बात है आप इसका क्वेश्चन में 7 के अंदर डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके दो डिस्टेंस आएंगे, यानी आपने 1 सेकंड पर भी डिस्टेंस निकालना है और 2 सेकंड पर भी आपने क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आप इधर इसको टू भी इधर ऐसे कर देंगे, दो डिस्टेंस आ जाएंगे। तो अब आप कैसे क्या हुआ, अब आपने पहले डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पकड़े एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर 15t प्लस 40, तो पुट टी 1 पुट कर दें, पहले टी 1 पर निकाल लेंगे डिस्टेंस, तो ये 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 प्लस 40, 40 और 15 55 माइनस 8 कितना हो जाएगा 55 माइनस 8 आपके इसका 47, ये 47 आ जाएगा एक सेकंड के बाद मीटर, यूनिट मीटर में तो 47 मीटर आपके साथ आ जाएगा, सही बेटा ये। अब इसी फंक्शन में आप पुट क्या पुट कर दें टी दूसरे क्या है 5 पुट कर दीजिए, अब 5 पुट कर देंगे तो आपका एस इज इक्वल टू 5 की क्यूब माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस 40, और ये क्या 5 5 25 25 5 125 होता है ना, 25 5 125, ये क्या होगा 125 और 25 9 से कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 225 और प्लस 15 5 से कितना होता है 15 मल्टीप्लाई 75 होता है 75 प्लस 40, तो 75 प्लस 40 प्लस 125 माइनस 225 15 आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 15 आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर, सही इसको S2 कह दीजिए, लेबलिंग वो आपकी मर्जी आप एसपी रहने दें, 15 मीटर आपके पास आ जाएगा, ये आपके डिस्टेंस आ जाएंगे जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी। तो इसके क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, ये पार्ट हो गया, ए पार्ट के अंदर क्या कह रहा था पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल का फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रहा था, डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस मालूम करना था पार्टिकल का पी का फ्रॉम ओ पर व्हेन जब वो क्या हो रेस्ट में हो, जब यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जीरो, तो आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी निकाली वेलोसिटी को जीरो पुट करके टाइम निकाल लिया, आपने ये चेक कर लिया कि कब कब वेलोसिटी जीरो होगी, एक सेकंड के बाद जीरो होगी और 5 सेकंड यानी कि 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे होगा यानी वेलोसिटी जीरो होगी, सही है। तो वो टाइम 1 सेकंड और 5 सेकंड पुट कर देंगे गिवन फंक्शन के अंदर, गिवन फंक्शन तो हमारे डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे, दो हमारे डिस्टेंस आ जाएंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे, सही है बेटा। ये पहला पार्ट था हमारा, दूसरे पार्ट के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट द टी टी के अकॉर्डिंग जब एक्सेलरेशन क्या हो 9 हो। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सारी बातें वेलोसिटी का फंक्शन और ये वेलोसिटी का फंक्शन ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का फंक्शन पकड़ रहे हैं और ए पार्ट में काम कर चुके हैं, जो अब कर चुके हैं तो उसी को ले लीजिए, अगर अलहदर से तो पहले डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को डेरिवेट करें और उधर से निकालें, तो ये आपके पास क्या है वेलोसिटी, ये आपके पास क्या है वेलोसिटी वी, यही है ना 3t स्क्वायर माइनस 18 प्लस 15, ओके इसको आपने dv अपॉन dt करेंगे, dv अपॉन dt 6t माइनस 18 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 18.1 आ जाएगा, डॉट 1 प्लस 0 डेरिवेटिव तो आपको आ गया a इज इक्वल टू 6t माइनस 18 आ गया। अब एक्सेशन कितना है, बी पार्ट के अंदर एक्सेशन कितना है 9 मीटर पर सेकंड पर,
इसकी जगह 9 पुट कर दीजिए, 9 पुट किया तो 6t माइनस 18, तो 6t इज इक्वल टू आपके कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, 9 प्लस 18 27, 9 प्लस 18 27 होता है, यस 27 होता है, 27 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, 27 डिवाइडेड बाय 6 9/2, t कितना आ जाएगा 9/2 दैट इज 4.5 भी लिख सकता हूं, 4.5 सेकंड, सही है ये टाइम। तो हमारे पास क्या था, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें t की वैल्यू मालूम है, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, तो 4.5 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या था 4.5। अब किसके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब देखो अब इधर मजे की बात ये एक और चीज क्या है ना, इधर देखिए आपके लव्स यूज कर रहा है, एक लव्स यूज कर रहा है, उस लव्स को बहुत इंपॉर्टेंट है इस लव्स के अंदर, देखो वो कहता है टी की वैल्यूज मालूम करो, अब वैल्यूज मालूम करो उसका मतलब टी की एक वैल्यू हमारी तो एक वैल्यू आई है, अब ये मैंने बड़ी कंसंट्रेट जरा देर से किया तो टी की एक वैल्यू मेरे पास आई है, जबकि उधर वैल्यूज कह रहे हैं तो इसका मतलब दो वैल्यूज की बात हो रही है, तो सेंटेंस में कुछ ऐसी बात होगी जिधर से दो वैल्यूज निकलेगी, कैसे बात होगी देखो जरा गौर से क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टी दो वैल्यूज मालूम करनी, वैल्यूज के लिए एक से ज्यादा वैल्यू मालूम, व्हेन द एक्सेलरेशन हैज मैग्नीट्यूड, हैज अ मैग्नीट्यूड 9, अब मैग्नीट्यूड 9 का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस 9 भी हो सकता है प्लस 9 भी हो सकता है, तो आपने दोनों पर बात करनी है, तो आपने ये जो आपने प्लस 9 पर तो आपने कर ली, अब आप माइनस 9 और इसके अंदर वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या आपका निकला, आप ये ले लेंगे 60 माइनस 18, तो पुट आप कैसे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकंड, पुट कर स्क्वायर भी पुट कर दीजिए, सही है, और ये इधर पुट नहीं लिखा, पुट का लफ्ज मैं लिख देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये लिख दीजिए, तो माइनस 9 और ये 18 इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 9 अपॉन 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 अपॉन 60 और ये क्या हो जाएगा 1.5 सेकंड हो जाएगा, ये दो टाइम आ जाएंगे बेटा, टाइम वैल्यूज आ जाएंगे, सही है बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, देखो आपने क्वेश्चन को बहुत ही सेंसिबल अंदाज में आपने इसको क्वेश्चन को पढ़ना है आपने, सही है, इस क्वेश्चन को पढ़ के और फिर तब आपका आंसर होगा। अब ये आपका हो गया, अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कहता है 2 सेकंड के अंदर क्या मालूम करना है आपके पास, एवरेज स्पीड मालूम है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, सी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अब इसका मतलब 2 सेकंड में मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, अब डिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 सेकंड से पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं रुक रहा है, मुझे पता है रुक रहा है कहां पे, रुक रहा है 0 पे और 1/1 सेकंड पे रुक रहा है, मगर 1 सेकंड से पहले भी आप देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो उसका है, सारी बात है 40 है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम 0 पर, तो आपने ये फंक्शन पकड़ना है, जो फंक्शन आपको गिवन है आप ये फंक्शन पकड़ेंगे, ये फंक्शन है आपके, अब सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट अब देखें, अब असल टारगेटेड पार्ट आ रहे हैं हमारे, जो हमने बच्चों को जिस जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है, सी पार्ट आपने फंक्शन पकड़ा, अब इस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, आपने पुट पहले टाइम 0 पुट करेंगे, टी जीरो पुट करेंगे तो इनिशियल क्या आ जाएगा 0 - 9 × 0 का स्क्वायर प्लस 15 × 0 + 40, तो इनिशियल आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, अब क्योंकि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट रुका कितने फंक्शन सही है 3t³ - 9t² + 15 सही है, अब पुट क्या कर दूंगा, अब पुट टी इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, अब टी 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर क्या, एस इज इक्वल टू 1³ - 9 × 1² + 15 × 1 + 40, ओके ये क्या हो जाएगा आप कैसे क्या होगा 16 + 40 ये हो गया -9 करो 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 आप कैसे हो जाएगा s, तो पहले सेकंड का डिस्टेंस कितना है s1 कितना है 47 माइनस इनिशियल कितना है 40 है, तो s1 कितना आ जाएगा 40 आ और 7 सेकंड कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, सही है 7 मीटर आ जाएगा, 1 सेकंड में उसने 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब क्या कर दूंगा अब इसी क्वेश्चन के लिए अब मैं दूसरे सेकंड क्योंकि 2 सेकंड में डिस्टेंस कह रहा है 2 सेकंड ये मैंने s1 निकाला है सही यही लॉजिक है यही आप अब पुट करूंगा पुट t इज इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा क्योंकि 2 सेकंड तक का आपको स्पीड मालूम करनी है तो s इज इक्वल 2³ - 9 × 2² + 15 × 2 + 40
ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 4 से कितना होता है 36 होता है, प्लस 30 प्लस 40 ये आपके पास आ जाएगा बेटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आपका कितना होगा 70, 70 प्लस 8 माइनस 36 42 आ जाएगा, 42। और एस टू आपके कितना हो जाएगा, एस टू आपके होगा 47 माइनस जो आपके प्रीवियस एक एक सेकंड में रुका था वो तो कितना 47 माइनस 42 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एस टू कितना आ गया 5 आ गया। और आप इधर लिखोगे टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आया एस वन प्लस एस टू, तो ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 कितना आ गया 12 आ गया, 12 मीटर मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया भैया। अब मेरे पास मुझे एक एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, मैं सी पार्ट के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 12, टोटल टाइम इज 2, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी मेरे पास एवरेज स्पीड, ये मेरा आंसर आ गया सी पार्ट का बेटा। इसमें सबसे खतरनाक बात ये टाइम निकालने की, ये लॉजिक आपने समझनी है, देखें आपका डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आपने 2 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो आपने ये देखना है 2 सेकंड से पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं रुक रहा, तो इसमें सबसे पहले ये भी देखना है कि इनिशियल टाइम जीरो पर तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, ये भी चेक करना है, तो ये कवर कर रहा है टाइम जीरो पर जीरो है तो उस पर डिस्टेंस आ गया 40। अब टाइम वन पुट कर रहा है क्योंकि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट रुक रहा है, तो वन पुट किया तो 47 आया, 47 को 40 से माइनस कर दिया तो हमारे पास पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर कवर कर लिया। अब फिर टी टू पुट कर दूंगा, टी पुट करो 42 माइनस प्रीवियस 1 सेकंड में जो रुका था वो जो डिस्टेंस था 47 माइनस कर दो तो 5 सेकंड आ जाएंगे, अब 5 मीटर सॉरी 5 मीटर आ जाएंगे सही 5 मीटर, तो ये अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 5 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये आपका 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड है 6 मीटर पर सेकंड, इसकी आप प्लस क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना था, एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी जो हमने निकाल ली सी पार्ट का। डी पार्ट के अंदर कह रहे पहले 6 सेकंड के अंदर डिस्टेंस निकालो, पहले 6 सेकंड के अंदर डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए सी पार्ट यूज होगा सारी बात, डी पार्ट के अंदर फर्स्ट 6 सेकंड के अंदर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तो यह है एस वन यानी कि 1 सेकंड के बाद रुका था तो एस वन मेरे पास कितना आया था, एस वन मेरे पास 7 सेंटीमीटर कितना आया था 7 सेंटीमीटर आया था, 7 क्योंकि 1 सेकंड पे 7 सेंटीमीटर आया था क्योंकि इनिशियल भी कवर हो रहा है ना। फिर एस टू मेरे पास कितना आया था, एस टू मेरे पास 5 आया था। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रुका है, ऑब्जेक्ट क्योंकि मुझे 6 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए 6 सेकंड, तो एस वन एस टू तो मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि मैंने ये काम किया और दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं है डी पार्ट के लिए क्योंकि ऑलरेडी मैं सी पार्ट में कर चुका हूं, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। टोटल डिस्टेंस 6 सेकंड में निकालना है, तो अब ऑब्जेक्ट देखो हमें पता है ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रुकेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था ऑब्जेक्ट कहाँ पे 1 सेकंड और 5 सेकंड में रुका। अब टी अब फंक्शन में लिखूंगा फंक्शन टी का फंक्शन, ये मैं फंक्शन लूंगा इसके अंदर मैं क्या पुट कर दूंगा, इसके अंदर मैं 5 सेकंड पे रुकेगा ऑब्जेक्ट, अब 5 पुट कर दूंगा सही है, क्या पुट कर दूंगा 5 पुट कर दूंगा, पुट टी इज इक्वल टू 5 अगले 5 सेकंड के बाद रुको क्योंकि 6 सेकंड तक चाहिए, एस इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस 40 ये बेटा हो जाएगा, और 5 की पावर 3 इट इज 5 की पावर 3 आप कैस क्या होगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 और 25 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये मेरे पास क्या होगा 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा और प्लस 15 5 का 15 मल्टीप्लाई 5 75 आ जाएगा और प्लस 40 अब 75 प्लस 40 प्लस 125 ये तीनों ऐड कर दिए 240 आ गया, कितना आ गया 240 माइनस 225 गलती ना हो इसलिए माइनस 225 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आप कैसा आ जाएगा 15 डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक बार फिर कैलकुलेशन में कर लूँ फिर गलती ना कर दूं, तो 125 5 का क्यूब आप कैसे कितना होता है 125 का 5 का क्यूब 125
प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 75 हो गया, प्लस 40 आप कैस कर दिया 240 हो जाएगा, 240 में से 25 मल्टीप्लाई बाय 9 225 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अब ये एस क्या आ गया, 15 आ गया। अब ये क्या, 5 सेकंड, 5 सेकंड से पहले ऑब्जेक्ट कहां रुका था, 1 सेकंड पे रुका था, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड। तो इसको नहीं, 5 तो हमें S2 की तो जरूरत ही नहीं है, S2 तो हमने ऐसे ही कर दिया क्योंकि हमें जहां रुका उधर S1 क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 सेकंड, 1 सेकंड पे रुका है ना। अब 1 सेकंड में रुका था तो उससे पहले S1 पे डिस्टेंस कितना 47 था, 47 में से S2 मेरे पास क्या आएगा, S2 आएगा मेरे पास 47 माइनस 15 आ जाएगा, सही है, 47 माइनस 15 आप कैसा आ जाएगा, तो 32 मीटर आ जाएगा। S2 कितना आ जाएगा, 30, वो उधर S2 नहीं लेना था, सॉरी मैंने गलती से ले लिया था अभी, ओके। अब क्या पुट करेंगे, क्योंकि अब देखें ये आपके डिस्टेंस जो आ गया, आपके पास कितना डिस्टेंस आ गया, ये 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद 1 से लेके 5 सेकंड तक, यानी अगले 4 सेकंड का डिस्टेंस कितना, 32 मीटर आ गया, सही है। और पहले सेकंड का डिस्टेंस कितना था, 7 था, पहले सेकंड का डिस्टेंस कितना था, 7। इधर तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बट बात सही है, 7 था और ये आपके पास आ गया, और ये आपका, अब आपने आखिरी सेकंड का डिस्टेंस निकाला, लास्ट सेकंड का डिस्टेंस, लास्ट सेकंड या छठे सेकंड का, तो आपने डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आपने पकड़ा, टी क्यूब 9t स्क्वायर, आप इसके अंदर 15 पुट कर दूंगा, क्या 6 पुट कर दूंगा, टी की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, टी इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे, एस इज इक्वल टू 6 का क्यूब माइनस 9 इंटू 6 का स्क्वायर, 15 इंटू 6 प्लस 40। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, कितना होगा 216, और माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 9 ये क्या 324 हो जाएगा, और 15 6 का कितना, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 90 प्लस 40 प्लस 40 ये मेरे पास आ गया 30 प्लस 216 क्या कहते 3 माइनस 324 22 आ जाएगा, 22 माइनस 15 7, S3 क्या आ जाएगा 22 माइनस 15 7 आ जाएगा, तो ये 7 आ गया, और टोटल 6 सेकंड के 7 7 14 14 प्लस 32 32 प्लस 14 इज 46। आप गेस क्या, टोटल डिस्टेंस इन 6 सेकंड कितना है, S1 प्लस S2 प्लस S3, सही है बेटा, ये लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। S1 कितना है मेरे पास, S1 7 है ऑलरेडी क्योंकि पहले पार्ट में कर, प्लस S2 कितना है 32 है, और ये कितना है 7, इट इज 46 मीटर आपका 6 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 46 मीटर कवर करेगा। किस तरह से ब्रेक करके मैं ये कर रहा हूँ, यही मैंने कल भी कहा था, देखो इसी पार्ट के अंदर, इसी पार्ट के डिस्टेंस निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये हर क्वेश्चन में खुद करवा रहा हूँ, सही है। मैं ये नहीं कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सिर्फ आप करके आपको कह रहा हूँ कि आप लोग करिएगा सारे क्वेश्चन, नहीं मैं खुद करवा रहा हूँ, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप हो, सही है, उसका रीजन ये है आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करना, सही। काइनेमेटिक्स है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से करें ज्यादा बेहतर, भले टाइम बहुत है, जो चीज देखें, एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, जो चीज करें सॉलिड करें, सही है, उसके अंदर वीकनेसेस ना हो आपकी, और आप जब सॉलिड करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी आपके, पर थोड़ा टाइम लेती है, चीजें हो जाती हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पार्टिकल पी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट एस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ द टी सेकंड आफ्टर पासिंग थ्रू ए ऑन अ लाइन गिवन दैट एस इज इक्वल टू, ये फंक्शन के मैंने, अब आपने स्पीड ऑफ द पार्टिकल मालूम करें व्हेन टी इज इक्वल टू 2 मालूम करनी, स्पीड ऑफ पार्टिकल मालूम करनी है जब 2 पर, तो कुछ भी नहीं है, आपने इसको टी से डेरिवेट करना, उसके अंदर टी डीएस पर डीटी दैट इज वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी, स्पीड के अंदर आपने टाइम 2 पुट कर देना, आपके साथ इसी तरह एक्सेशन, एक्सेशन का एक्सेशन के अंदर 4 पुट कर देना, आपके पास एक्सेशन आ जाएगा। फिर सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं द पार्टिकल पी फ्रॉम ए फ्रॉम सॉरी द डिस्टेंस ऑफ आपके इसका पार्टिकल पी From A, सही है, from A, when its train is rest पे होगा, distance rest में velocity zero की, velocity zero put करके time निकाल लो, velocity zero put करके time, वो time आपने displacement के function में put कर दो, तो आप यह displacement आ जाएगा। अब 4 सेकंड में आपने क्या मालूम करनी है, speed मालूम करनी है, तो similar question है, बिल्कुल similar question है बेटा,
इस क्वेश्चन को मेरा मेरी ये है कि आप लोग खुद ट्राई करेगा, अगर नहीं हुआ कल लाजमी जरूर मुझे जरूर बताइएगा, कल कल ये आप लोग कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग 100% कर सकते हैं। सही है, नहीं हुआ आंसर भी चेक कर लीजिएगा, बुक आप लोगों के पास है, कोई भी प्रॉब्लम करता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। लाजमी करने ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको लाजमी करिएगा। आप यकीन माने पेपर से क्वेश्चन बिल्कुल इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, मगर होते हैं अच्छे कन्वर्ट से क्वेश्चन। पार्टिकल बी मूविंग स्ट्रेट लाइन फंक्शन के बिल कर रहा है, टाइम टी सेकंड वगैरह ये सारी कह रहे हैं, कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है? इनिशियल वेलोसिटी कब होती है? जब टाइम जीरो होता है। जब क्या होता है? टाइम जीरो होता है, और इनिशियल एक्सीलरेशन जब टाइम जीरो होता है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी को फंक्शन बना लें। वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा? एस फंक्शन को आप, ये जो एस फंक्शन है, एस इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 2 डी एस और डी टी करेंगे तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24 ऑफ केसर। तो ये v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24 आपके साथ, ये वेलोसिटी आ जाएगी, ये आपके क्या वेलोसिटी। अब इनिशियल का मतलब मैंने आपको बताया था, देखें लव्स मैंने ऊपर सारे कुछ रीजन है उन लव्स को पढ़ाने का, उनको सब इतनी प्रैक्टिस करवाने का। इनिशियल का मतलब क्या है? टाइम जीरो, टाइम जीरो पुट करते हैं इसके अंदर, पुट टी जीरो पुट, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी ए पार्ट के अंदर, पुट टी इज इक्वल टू जीरो, सारी बातें बता चुका हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन। एंड देन बी पार्ट इनिशियल एक्सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अब इसको अगेन डेरिवेट करें तो आपके क्या एक्सेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6t माइनस 18 आ जाएगा। अब इसके अंदर पुट आपके क्या है, टी जीरो पुट कर दें, टी जीरो पुट एक्सेशन कितना आएगा, माइनस 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं किया आपने, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को आपने डेरिवेट किया, आपने डेरिवेट करके आपने क्या नाम है वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के अंदर टाइम जीरो पुट कर, इनिशियल का मतलब टाइम जीरो होता है, और आपने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी फंक्शन को आपने डेरिवेट किया, एक्सेशन निकाला, एक्सेशन को के अंदर टाइम जीरो पुट कर दिया, आप एक्सेशन के अंदर टी जीरो पुट किया, एक्सेशन की वैल्यू निकाली। अब सेकंड कह रहे हैं टी निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम जीरो जो ऑब्जेक्ट क्या इंस्टेनियस यानी किसी भी लम्हे क्या हो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, रेस्ट में आया तो दैट इज वेलोसिटी का जो फंक्शन है, ये जो वेलोसिटी का फंक्शन आपने निकाला हुआ है, जो आपने निकाला इसके अंदर आप पहले तो वेलोसिटी जीरो पुट करके टाइम निकाल लीजिए, टाइम जब आपके साथ आएगा वही टाइम आपका आंसर आंसर हो जाएगा। फिर आपको पता है डिस्टेंस निकालना है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड से पहले आपने ये चेक करना है कि इतने सेकंड पर ऑब्जेक्ट रुका है। सही है, वो सारे काम करने हैं, वो सारी चीजें सिखा चुका हूं मैं। और फिर क्या है एवरेज स्पीड मालूम करें पी ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर, एवरेज स्पीड पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है और फिर आपने क्या करना है उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। और शो नेवर रिटर्न आप कैस क्या होगा, ये बहुत आसान है, आपने उसमें जीरो पुट कर देना है आप कैस, तो नेवर रिटर्न आप कैस हो जाएगा। सही है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद करना है होमवर्क, ये क्वेश्चन भी एक स्टार वाले क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे करवा चुका हूं आपको, जितनी भी चीजें ये मैं आपको करवा चुका हूं। सही बेटा, अब 10th से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 10th से ऑनवर्ड आ रहे हैं, अब हमने क्या देखें, अब हम जो अभी तक 9 क्वेश्चन में जो गए हैं वो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेशन पे गए। अब हमें वेलोसिटी गिवन होगा तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे या एक्सेशन गिवन होगा एक्सेशन से वेलोसिटी पे जाएंगे, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे बेटा। तो कल इधर से ही शुरू करेंगे, ये 2 क्वेश्चन से मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इन 2 क्वेश्चन को लाजमी करिएगा बेटा, और इंशाल्लाह के लिए 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट कर लिए तो इसका मतलब है आज की और जो मेरी प्रीवियस क्लास थी वो आप लोगों को काइनेमेटिक्स ही समझ में आ गई। सही है, जो मेरा पॉइंट था, और इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चन आता है, और आगे क्वेश्चन में 10 के बाद के जो क्वेश्चन है यानी ये हमने डेरिवेटिव से एक्सेशन तक पहुंचे हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एक्सेशन को वाया डेरिवेटिव, अब हम यही काम करेंगे, रिवर्स में जाएंगे, एक्सेशन से डिस्प्लेसमेंट तक जाएंगे वाया इंटीग्रेशन जाएंगे। सही है, जो भी बहुत आसान क्वेश्चन, और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकती है, वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकती है, तो दोनों चीजें हमारे कोर्स में है, हर टाइप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज थी वो मैंने आपको बता दी, डिस्टेंस निकालना, वो किस तरह से ब्रेकअप करके टेक्निक से मैंने निकालना सिखाया, वही टेक्निक फॉलो करिए, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ये, एक तक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बेटा। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।